वेलकम टू एग्जाम बीबीच ना। तो जो वीडियो रहेगी इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर पहले डिस्कस करूँगा जिनका मुझे कन्फर्म उत्तर आता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर 122, धर्मघाटी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होना चाहिए था तो वो था विकल्प बी शिमला, ठीक है। 122 का सही विकल्प बी होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक काल में किस नदी को परशुरामी के नाम से जाना जाता था। तो ये होगा 123 का सही विकल्प रावी, 123 का सही विकल्प सी होगा, रावी को वैदिक काल में परशुरामी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है 124, इसमें पूछा गया है उदयपुर का पुराना नाम क्या था। तो जो उदयपुर है हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल स्पीति में, इसका पुराना नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प होना चाहिए विकल्प ए मरकुल, 124 का सही विकल्प ए होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 125, इसमें पूछा गया है चंबा में रंगमहल का शिलान्यास किसने किया था। तो जो चंबा में रंगमहल का शिलान्यास किया गया था तो ये उम्मेद सिंह के द्वारा किया गया था, 125 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी तो ये की गई थी 1995 में, 126 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 127, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा अशोक कुमार गुप्ता, 127 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 128, इसमें पूछा गया है महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होगा तो ये होगा विकल्प ए 1098, ठीक है ना। 128 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 129, इसमें पूछा गया है ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प सी होना चाहिए, पर इसे हम पेंडिंग में रख देते हैं। सी मेरे अनुसार सही होना चाहिए, पर जो इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसके कन्फर्म उत्तर आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व डाक दिवस 2021 की थीम क्या है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे 2021। तो यहाँ पर होगा विकल्प सी इनोवेट टू रिकवर, 130 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो जो एनसीसी का हेडक्वार्टर हो जाएगा ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा, 131 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है 132, पूछा गया है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी में बनाई गई है। तो ये बनाई गई है कृष्णा नदी पर, 132 का सही विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 133, इसमें पूछा गया है इनमें से किसे भारत की मिसाइल लेडी के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है टेसी थॉमस को, 133 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 134, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष, 134 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 135, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये होगा अनुच्छेद 360, ठीक है, 135 का सही विकल्प सी हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 136, हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो जो हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय स्थित होगा बार मेमोरियल, तो ये धर्मशाला में होगा, ठीक है, 136 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 137, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था 25 जनवरी 1971 को, 137 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 138, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे। तो ये आए थे 1969 में, यहाँ पर 138 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 139, इसमें पूछा गया है कमरूनाग झील मंडी जिले के किस तहसील में आती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो कमरूनाग झील है ये कहाँ पर है, ये मंडी में है, और मंडी के किस उप तहसील में है ये
या तहसील में, तो ये हो जाएगी चचियोट। 139 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा।